बड़े नैपकिन तौलिए हर साइज के वो लाने हैं, फिर एक झुंझुना लाना है, वो क्या होता है उसमें वो गाड़ी जिसमें बच्चे को घुमाने ले जाते हैं, प्रैम। तुलसी क्या हुआ? भगवान ने हमारे घर को इस संगीत का वरदान क्यों नहीं दिया? क्या अपराध हो गया है हमसे? हौसला रखो तुलसी, भगवान सब ठीक करेंगे। किस भगवान की दुहाई दे रहे हो तुम? जब तुम लोग भगवान को मानते ही नहीं, अपने कुल में विवाह पूरा हो गया तभी माना जाता है जब नया जोड़ा खाटू धाम जाके श्याम प्रभु का आशीर्वाद ले। लेकिन तुम्हारे पास इसके लिए समय ही कहाँ है? जब देखो तब दुकान काम पैसा बस यही होके रह गए हैं तुम्हारे भगवान। चूक हो गई माँ, हम श्याम बाबा से क्षमा मांग लेंगे और उनसे ये विनती करेंगे कि हमारी झोली भी संतान से भर दे। हम कल ही खाटू धाम जाएंगे। द्वापर में श्याम कलयुग में आए जो भक्तों के काम, वो है खाटू नरेश मारा, श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा। निर्बल का बल है दीनों का बंधु, निर्बल का बल है दीनों का बंधु, हारे हुए का सहारा, श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा। भीमसेन के पात्र का प्रताप भारी, पुत्र ये घटोत्कच का बर्बरीक नामधारी, काम कंट कटामात के लाल पर बलिहारी, अब है गोपाल कृष्ण का यही उत्तराधिकारी, कृष्ण ने प्रसन्न होके दिया रे इनाम, अपना रूप अपना रंग अपना ही नाम, देख भक्तों ने मन हारा, श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा। उनके नेत्र दीप जल उठे जो यहाँ जला गए, पंगुए पहाड़ चढ़ गए,
इत्र जो यहाँ चढ़ा गए उनकी वंश बेल बढ़ गई, अर्ज जो यहाँ सुना गए द्वार द्वार फिर न वो फिरे श्याम द्वार पर जो आ गए। धामों में धाम न्यारा ये खाटू धाम, खाटू में बैठा हुआ श्याम आठो याम भरे भक्तों का भंडारा। श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा। दादी ये भगवान जी हमारे कौन लगते हैं? सब कुछ माने बाबूजी, अम्मा दादी सब इनसे भी ज्यादा सगे। तो जो मांगो वो देंगे ये? हाँ मन से मांगो जरूर देंगे। अच्छा ले प्रसाद ले। अब मैं जाऊँ? कहाँ चली? नेहा को प्रसाद देने। अच्छा अरे कहाँ भागी जा रही है तू? किसी दिन साइकिल रिक्शा से टकरा गई तो अपने हाथ पांव तोड़ बैठेगी तू। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं जी, गलती तो हमारी ही थी। अम्मा कहती है कि किसी दिन क्या? कुछ नहीं। अच्छा तो मैं चलूं? घर से आने में मैं कब से तेरी राह देख रही थी। मैं क्या करती? ये देखना। अरे ये कैसे लग गई? गिर गई थी क्या? नहीं, सांड ने सिंग मार दिया। सच्ची सांड ही था या? अब जाने दे, ला अपनी मेहंदी दिखा। हाय कितनी अच्छी रची है। और मेरी देख, चीनी नींबू का रस चूना सब डाला फिर भी नहीं रची। मैं बताती हूँ, प्यारी को पान, कुमारी को मेहंदी, गोरी को काजल और काली को बिंदी। मतलब? मतलब ये कि जिसका पति अपनी पत्नी को जितना ज्यादा प्यार करे उसे मेहंदी कम रचे और पान ज्यादा। मतलब राधा का पति राधा को ज्यादा प्यार करेगा। झिर मिर में पड़े, झिर मिर
कैसी है? ठीक हूँ, आप कब आए? बस परसों, माँ ने कहा तीज है, रमा मौसी को मिठाई दिया, सो चला आया। अरे मोहन, लड़कियों में ही गिरा रहेगा या मौसी के पास भी आएगा? आया मौसी। पहले कभी जिक्र नहीं किया तुमने अपने इन भैया का। बात ही नहीं निकली और ना ही ये आए। 5 साल से तो ये पूना में ही थे, उससे पहले महाराजा कॉलेज के बोर्डिंग में, उससे पहले मेयो में। अब तू ही तो पूरी कुंडली जानना चाहती थी इनकी, मोहन भैया की। नेहा, मैं घर जाती हूँ। अरे ये क्या, ना भी जी भर के झूले, ना खाया पिया, और इतनी जल्दी? वो दादी ने कहा था जल्दी आ जाना, खाना घर पर ही खाना। अच्छी भली तो आई थी, अचानक मुंह क्यों लटक गया? कहीं प्रेम रोग तो नहीं? ये बता, घर में सब कैसे हैं? मजे में तो है ना? जी जी जिया जी, बच तेरे दीदी ना उधर छोरी छपाड़ियों में लगे हुए हैं। नहीं नहीं मौसी, घर में सब ठीक है, माँ आपको बहुत याद करती है, कहा है कि मौसी से मिलो तो कहना कि घर एक चक्कर लगा जाए। हाँ हाँ जरूर आऊंगी, पर अभी तू अंदर चल, मैं 2 मिनट में आती हूँ, और बिना खाए पी तुझे जाना नहीं है, समझा कि नहीं? नहीं नहीं मौसी, आज बहुत जरूरी काम है, थोड़ा जल्दी में आपसे फिर आके मिलूंगा, फिर लौटूंगा, फिर मिलूंगा। प्रणाम मौसी, सी यू, बाय मौसी। मैं तो कहूँ शकल सूरत पे मत जा, ये देखो ज्यादा से ज्यादा गुण हमारी राधा के किससे मिलते हैं। हाँ पंडित जी, बड़े लाड़ों में पली हमारी बिटिया, जहाँ रहे खुश रहे। इस दृष्टि से किशनगढ़ वाला लड़का ही उत्तम है। अरे राधा आ तो इधर। अम्मा थक गई हूँ। पर बेटा खाना तो अभी, भूख नहीं है। इसे क्या हुआ? वो झूला झूलते झूलते थक गई होगी ना, मैं उसे जरा गरम गरम दूध दे के आती हूँ। इसने तुम्हारे चेहरे को छुआ है, इसमें तुम्हारी छुअन है, तुम्हारा एहसास। मोहन, मोहन तो सिर्फ राधा के ही होते हैं, तो क्या ये सब मैं क्या सोचे जा रही हूँ? श्याम प्रभु, जब तुम मुझे इतना प्रेम करते हो, माँ बाबूजी दादी सभी, तो फिर आज मुझे ये क्या हो रहा है? मेरा मन कहाँ खींचा जा रहा है? तो ये दूध ले और बता, ये मोहन कौन है? कोई नहीं दादी, वो भगवान जी, कृष्ण, श्याम, कान्हा, मोहन। वो क्या है, मैं तेरी दादी तो हूं ही।
लेकिन साथ साथ वो क्या कहते उसे, बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड हूँ ना मैं, तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तो मुझे बता, झटपट बता, किस मोहन ने मेरी राधा का चित हर लिया है? अरे बता बता, भलाई हो जाएगा तेरा, बता। दादी वो नेहा है ना? हाँ नेहा, नेहा है, है, हाँ हाँ। उसकी जो मौसी है ना? हाँ मौसी ना, मौसी भी है, एक ही तो है, कौशल्या है ना? हाँ है। उसका क्या? उनका बेटा। उनका बेटा भी है, आए? उसने क्या किया? अरे बता ना उसने क्या किया। फिर तो वो महेंद्र पंसल का छोरा हुआ है ना? बहुत खूब मामा जी, बहुत खूब। अरे मामा जी आप भी ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे जीजा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या साले साहब, दो दो मर्तबा आज हो रहा है। अरे क्या करें आपके राज्य में। अरे मोहन कितने दिनों में आएगा भाई? कब का आ गया है जी? मैंने तो उसे कहा था कि मौसी के घर इतने साल बाद जा रहा है तो कुछ दिन रहा, पर नहीं उल्टे पाँव वापस आ गया। अरे भाई मोहन को बिजनेस का शेयर होल्डर बनाने की लीगल फॉर्मेलिटीज के बारे में तुम लोगों ने वकील से बात की? ओहो डैड, आपका हुक्म और काम पूरा नहीं हो, ऐसा कभी हो सकता? बल्कि ये काम कल ही पूरा हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल फिक्र न करें, बिल्कुल फिक्र न करें जीजा जी। और वैसे भी इसकी एमबीए की पढ़ाई का बिजनेस को कुछ ना कुछ तो फायदा होना ही चाहिए। लीजिए आ गए। खुश रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अरे हाय बोले। नमस्ते। अरे क्या बना भाई? जीता रहे। कैसे हो माँ? प्रणाम मामी जी। जीता रहे। तेरी बहू को तो सारे घर वालों के पैर छूने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। सबसे छोटी जो होगी। जी मम्मी जी, अब देवर जी के पाँव में बेड़ियाँ डाल ही दीजिए। ना ना भाभी, बेड़ियाँ नहीं, कहो फूलों की बेड़ियाँ। वाह 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 वाह। अरे भाई सुनिए तो, आपके छोटे सपूत तो बड़े रोमांटिक हो गए। आप ही पे गए हैं क्या? मम्मी जी, वैसे भी मामी जी ने हमारी देवरानी तय कर दी है। छोड़िए ना भाभी। पापा जी ये लीजिए आपके पनीर के पकौड़े। अरे वाह, पनीर के पकौड़े। हाँ लेकिन। और बड़ी भैया आपके लिए मूंग दाल की। थैंक यू, थैंक यू। और छोटी भैया आपके लिए प्याज के पकौड़े। क्या बात है, ला ला ला। और हमारे देवर जी की पसंद का कुछ है या नहीं? है ना इनके लिए गोभी के पकौड़े। नो थैंक्स, मुझे भूख नहीं है। अरे एक तो ले लो ना, अनीता ने इतने प्यार से बनाया है। वैसे बड़ी ननंद, अनीता आपके घर की बहू बनेगी तो किसी को एक पत्ता भी हिलाने नहीं देगी। जबान तो हिलाने देगी कि नहीं? मौका ही नहीं मिलेगा। प्लीज भैया, मेरी लेग पुलिंग से आप दोनों का कोई फायदा नहीं होने वाला। वैसे भी उसके प्यार में खींचा चला जा रहा हूँ माँ। तो जीजा जी समझो अनीता और मोहन की जोड़ी पक्की। मैं कल ही भैया भाभी से बात करवाई देती हूँ। अरे भाई ठीक है, लेकिन अभी तो पढ़ाई करके आया है, जल्दी क्या है? अपनी जिम्मेदारी पूरी होगी जी, और क्या। हाँ हाँ, अभी तो बच्चे के खेलने खाने के दिन है, अभी तो किताबों के ढेर से निकल के आया है, अभी अभी तो जीवन का आनंद उठाने दो। नाम से पुकारो तुम्हें? मैंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। हेलो। हेलो। अरे मोहन भैया तुम, क्या बात है, घर पहुँचते ही फोन कर दिया। वो क्या है था कि बहना, कि मुझे तेरी बड़ी याद आ रही थी और आज ढंग से बात भी नहीं हो पाई थी तो। तो करो बात। हाँ बोलो। बोलते बंद क्यों हो गई? वैसे
यही हाल उसका भी होगा। उसका किसका? जाओ नहीं बताती नाम, पहले थोड़ा जल भून लो। मेरी प्यारी बहना प्लीज जल्दी बता देना उसका नाम, तू चौमाई की मैं तेको दूंगा। पक्का? तो चलो मेरी सखी, मेरे प्यार इसी सखी का नाम है राधा। राधा ये सजने सवरने से कोई मुट्ठी में नहीं आ जाता, दिल जीतना पड़ता है दिल, और उसके लिए घर के हर छोटे से बड़े तक को खुश रखना पड़ता है। ये लिपापोती करने से अच्छा मेरी बात सुन, बड़ी ननद की सेवा कर, जीजाजी और जेठ जेठानियों को खुश रख, फिर तो मोहन अपने आप ही तेरी झोली में आ गिरेगा। बुआ तुमने मुझे इस घर में एंट्री दिलवाई, मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए थैंक यू, लेकिन इससे आगे मुझे क्या करना है ये समझाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तुम चिंता मत करो बुआ, एक दिन देख लेना घर से लेकर ऑफिस तक सब संभाल लूंगी। राम राम बड़ी बहू, राम राम मंजली बहू। काका अभी कौन सी छोटी बहू आ गई जो आप बार बार मंजली बहू मंजली बहू कहते हैं? बहू अब छोटी बहू भी आ जाएंगी जब मोहन बाबू आ गए हैं तो। लो मैं आ गई काका। लो जब मोहन जी आ गए हैं तो छोटी बहू भी आ जाएगी। चल तू ना, बड़ी बेशर्म है। अच्छा बड़ी बहू मुझे ये बता दो कि खाने में क्या बनाना है। देख बाबूजी को बहुत दाल बाटी पसंद है तो दाल बाटी बना लीजिए, और इनको गट्टे की सब्जी पसंद है गट्टे की सब्जी, और चूरमा वही गट्टे की सब्जी वही दाल बाटी वही चूरमा, आप लोग बोर नहीं हो जाते? देख घर में जो खाना सबको पसंद है वही तो बनेगा ना। लो लेकिन मोहन जी तो बाहर से आए ना, वो तो मॉडर्न है तो उन्हें तो फास्ट फूड चाइनीज ये सब पसंद होगा, वो हमें बनाना तो आता नहीं भाई। कोई बात नहीं डोंट वरी मैं हूँ ना। लो काका हमें तो छुट्टी मिली, अब देवर जी के लिए क्या बनाना है यही जाने। बिजनेस के और भी कई काम हैं, पर क्या मैं इस वक्त तुम्हारे सिवाय कुछ और सोच पाऊंगा राधा, तुम्हें याद करने के अलावा। ये आपके लिए वेज चाइनीज। थैंक्स, पर मुझे भूख नहीं है, वैसे भी क्या फायदा, थोड़ी देर में खाना लगने वाला है। पता है लेकिन एक बार टेस्ट तो करके देखिए, और अगर अच्छा लगे तो डिनर अवॉइड कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। सुनिए जी भाभी अनीता के रिश्ते के लिए बड़ा जोर दे रही हैं। अच्छा आप क्या कहते हैं? हाँ? अरे दो मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे भाई मैं क्या कहूँ कौशल्या, वैसे मेरा ख्याल है कि कोई भी फैसला करने से पहले हमें मोहन के मन की था ले लेना चाहिए, वक्त बहुत बदल गया है, और वैसे भी मैं मानता हूँ कि शादी से पहले लड़का लड़की की सहमति बहुत जरूरी है भाई। अच्छा तो हमारी शादी जो हुई वो गलत हो गई क्या? अरे वो तो भाग्य था जो सब कुछ अच्छा हुआ, मतलब मेरे साथ कम से कम, तुम्हारी तुम जानो। अच्छा जी 28 साल शादी के बाद मेरी मैं जानू और आपकी आप जाने? हाँ जी हाँ हम ही जाने। छोड़िए पापा जी हा? आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है और आप इतना काम करते हैं, ये लीजिए गरम गरम मसाला दूध पीजिए और सो जाइए। थैंक यू। दादी दादी रमा दादी आई है। क्या रमा आई है? अरे मौसी साहब कितने दिनों बाद आए, सदा सुहागन रहो। प्रणाम मौसी साहब। खुश रहो बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बढ़िया। अरे छोटी ननद कैसी हो? अरे भाभी तुम अभी तक यही हो? हाँ क्या करें, बड़े ननद और बच्चे जाने ही नहीं देते। अरे रमा। अरे प्रणाम जीजी, खुश रहो। कैसी हो, अकेली आई हो? नहीं नेहा तो आते ही मोहन भैया के पास चली गई। अच्छा सच जी, बड़ी याद आ रही थी तुम्हारी, बच्चों की बहुओं की। जीजा जी कहाँ हैं? घबरा नहीं, तेरा नाम सुन लिया है सीधा चले आ रहे हो। देवती मासी सा के लिए चाय लाओ। हाँ मम्मी जी अभी लाई। अरे दीदी बैठो मैं लाती हूँ। अरे तो यहाँ बैठ, मैं ले आती हूँ, चल बैठ। अच्छा दोनों चलते हैं। सच जी भगवान की कृपा से तुम्हें बहुएं ना एक से बढ़कर एक मिली हैं। सो तो है, बस अब मेरा मोहन ही बचा है। अरे उसी के लिए तो बात करने आई हूँ मैं, बड़ी अच्छी लड़की देखी है मैंने, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, रूप गुण स्वभाव, खाते पीते घर के लोग हैं, अच्छा परिवार है, पर हैं संस्कारी लोग। अच्छा पर छोड़ी ननद। साली साहिबा
जीजा से बढ़कर ऐसा कौन मिल गया जिसकी तारीफ हो रही है। प्रणाम जीजा साहब। जीती रहिए, बैठिए बैठिए बैठिए। वैसे इतना जलने भुनने की जरूरत नहीं है आपको, आप हमेशा मेरे लिए वही रहेंगे जो जीजी की शादी के वक्त। अच्छा। रमा मोहन के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता लाई है जी। अच्छा, पर छोटी ननद, मोहन की बात तो तय हो चुकी है, घर वालों को लड़की बहुत पसंद है, सबके दिल में जगह बना ली उसने। पर मोहन के मन में जो बस चुकी है, मैं उसी लड़की के साथ उसका रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। और वैसे भी जीजी, जोड़ी तो मोहन और राधा की ही होती है ना। राधा? राधा, ये कौन है? देखो छोटी ननद, इस घर में दो दो सुशील बहुएं आ चुकी हैं। तुम जानती हो इस परिवार में कितना एका है, कोई लाख कोशिश करे ना, इतनी सी दरार नहीं पड़ सकती। तो हम एक अनजान घर की लड़की को क्यों ले आए? कहाँ जा रही हो बड़ी ननद? मैं जरा नेहा को मिल के आती हूँ। नेहा? हाँ? मैंने फर्स्ट साइड लव के बारे में सुना तो बहुत है, पर मुझे यकीन नहीं था। लेकिन जब से राधा को देखा है, जैसे मेरी जिंदगी, मेरी सांसें, सब कुछ उसी से बन के रह गया। कहीं मन नहीं लगता, कहीं दिल नहीं लगता, मन हर वक्त एक ही नाम पुकारता है, राधा राधा राधा। तुझे मजाक सोच रहा है? यहाँ मेरी जान पे बनाइए। वैसे ये बता कि राधा ने मेरे बारे में तुझसे कुछ पूछा, कुछ कहा? मुंह से तो कुछ नहीं कहा, पर आंखें तो न जाने क्या क्या कहती रहती हैं। रियली? बिल्कुल। थैंक गॉड। वैसे अच्छा ही हुआ कि मौसी यहाँ चली आई। पर आई मामी ना, जबरन अनीता को मेरे गले बांध रही थी। अच्छा, अब देखना यह है कि मम्मी क्या कहती हैं। बैसाखी पूनम का दिन बहुत ही शुभ दिन है जीजा जी। हम तो उसी दिन अनीता और मोहन की सगाई कर देंगे। अरे सगाई ही क्यों, मैं तो उसी मुहूर्त में शादी कराने की सोच रही हूँ। सच बड़ी ननद? हाँ, पर अनीता से नहीं, राधा से। राधा से? हाँ? क्यों बड़ी ननद, मेरी अनीता में क्या कमी है? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं, पर बात यह है कि मेरे मोहन को राधा पसंद है। ओ, चलिए तो भाई बात खत्म। और वैसे भी जोड़ी मोहन और राधा की अच्छी जमती है। हाँ। भाई हमारी तरफ से तो हरी झंडी है साली साहब। अगर ऐसी बात है तो समय बहुत कम है जीजा जी। लीजिए मैं अभी के अभी आपकी ना उनसे बात करवाती हूँ, आप होने वाले समधी से। लीजिए बात करिए। अरे पहले नाम तो बताओ। रामेश्वर गर्ग। अच्छा, अच्छा, किशनगढ़ में कपड़ों के व्यापारी हैं। ओ, नमस्कार रामेश्वर जी, मैं महेंद्र बंसल बोल रहा हूँ। ओ हाँ, ये हमारे पास में हमारी साली साहिबा बैठी हैं, आपके किशनगढ़ की हैं। लीजिए इनसे बात कीजिए। बात करो। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम। वो दरअसल बात ये है कि मेरी अम्मा जी से बात हो चुकी थी। हाँ, पत्री वगैरह मैंने सब मिलवा ली है। हाँ, आपकी राधा और मेरा भांजा मोहन, बस राधा कृष्ण की जोड़ी है एकदम। अब आपकी हाँ की ही देरी है बस। अम्मा। हाँ। अजमेर से फोन है, महेंद्र बंसल के बेटे और राधा के रिश्ते के बारे में। महेंद्र बंसल जी का छोरा? फौरन हाँ कह दे बेटा, घर बैठे तुझे ऐसा जवाई मिल रहा है जो सात गांव में ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। अरे आप क्या सोच रहे हैं, अम्मा जी ने हाँ कह दिया तो आप भी कह दीजिए ना। हेलो। हाँ जी, वो तो ठीक है, अगर श्याम बाबा की यही इच्छा है तो हम ना कैसे कह सकते हैं। हाँ लीजिए बात करिए, लीजिए बात करिए। हाँ हाँ साहब, तो अब तो हम आपको समधी साहब बोल सकते ना। समधी साहब। हाँ भाई क्यों नहीं। तो जितनी जल्दी हो सके विवाह का मुहूर्त निकलवाइए बस। जैसी श्याम बाबा की इच्छा। जय श्री श्याम।
खुश रहो, खुश रहो। मुबारक हो बहना, मुबारक हो। हाँ। वैसे तो कौशल्या की दोनों बहुएं बहुत सुंदर हैं, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है, है ना? माँ का आशीर्वाद लो। पांचों पांचों शाबाश। खुश रहो, खुश रहो। मुबारक हो जी जी। राम राम बिटिया, राम राम। ये हमारे देवी काका हैं। प्रणाम। जीती रहो बिटिया, जीती रहो, जीती रहो। इन्हीं के हाथ का खाना खा के आज इतना बड़ा हुआ हूँ। बड़ी बहू, हाँ? राधा को इसके कमरे में ले जाओ। हाँ मम्मी जी, आओ आओ। बेस्ट ऑफ लक भांजे। समझदार हो, वरना शादी की पहली रात लड़कियां उम्मीद करती हैं कि उनका पति आए और फिल्मी अंदाज में घूंघट खोले। हम तो डर रहे थे कि कहीं आप चेहरा खुला देखकर नाराज ना हो जाएं, मगर फिर हमने सोचा कि हम तो पहले ही एक दूसरे को देख चुके हैं, मन में बसा चुके हैं, है ना? क्यों राधा, तुमने ये शादी किसी दबाव में आके तो नहीं की? तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले कोई और आया था क्या? था नहीं, बाकायदा है। मैं बचपन से ही उनसे प्रेम करती हूँ, दीवानी हूँ उनकी। श्याम नाम है उनका। बस करो राधा, बस। तो क्या आपसे मिलवाना तो पड़ेगा ना? प्लीज मुझे और मत तड़पाओ, बस करो। ठीक है, वैसे मिल लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि वो सिर्फ मेरे ही नहीं लाखों करोड़ों के दिलों में बसने वाले श्याम है, खाटू धाम के श्याम प्रभु। तुम श्याम प्रभु की बात कर रही हो? मैं तो डर ही गया था, मैंने सोचा कि सब से
अरे तू कहाँ जा रही है? अपने घर। अरे भाभी, अरे ये कहाँ जा रही है? कह रही है अपने घर जा रही है। क्या करे, बिचारी का दिल ही टूट गया। और रहे तो कब तक और किस रिश्ते से? यहां आओ, मेरी बेटी के रिश्ते से। मैं जानती हूं तुम तो हॉस्टल में पड़ी हो और गांव जाना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है ना। अब यहां तो सबसे घुल मिल गई हो ना बेटा, तो यही रहो ना तब तक जब तक अपने पति के घर नहीं चली जाती, ठीक है? थैंक यू मम्मी जी, अगर आप कहती हैं तो रुक जाती हूं। अब मैं भी बाजी पलटने से बास नहीं आऊंगी, देख लेना। आ जाओ बिटिया, आ जाओ आ जाओ। राम राम बाबूजी, राम राम। आ जाओ बिटिया, आ जाओ। राधा बेटा, तुम पहले अपने हाथ से कुछ मीठा इन सबकी प्लेट में रख दो, बाकी ये सब खुद सर्व कर लेंगे। बस बेटा बस। तो श्रीमती जी, किया जाए श्री गणेश? यूं ही नहीं जीजा जी, आज तो आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी, जरा देख लीजिए। सलज, ये कोई पहली बहू नहीं लाया हूँ घर में। मालूम है जब नई नवेली बहू के हाथ का भोजन किया जाता है तो शगुन दिया जाता है, पर स्वाद चखने के बाद। खाइए। नर्वस हो गई होगी बेचारी। आप ऐसे प्लीज रिएक्ट मत कीजिए, मैं आपके लिए 10 मिनट में कुछ बना के लाती हूँ। अरे बेटा कुछ तो लिहाज कर बड़ों का। क्या मामी, मेरी बीवियां रो रही है और मैं चुप भी नहीं करा सकता। चलो राधा। पापा वैसे हम 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं हनीमून पर। अच्छा। क्यों भाई, तो कुछ अनोखा है क्या? हम लोग तो नहीं गए हनीमून के लिए। भैया वो आपकी गलती थी। पापा आपसे बिजनेस के बारे में कुछ बातें करनी थी, वापस आके करता हूँ। ठीक है पापा, हैव अ नाइस टाइम, बाय 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 बाय। खाइए खाइए खाइए। तूने तो आज राधा रानी का बैंड ही बजा दिया। जिसे देखो उसकी तारीफ, बहुत सुंदर है, खाना बहुत अच्छा बनाती है, खीर में नमक और दाल में इतनी काली मिर्च। इसने मुझसे मेरे सपने छीने हैं, मेरे दिल को ठोकर मारकर सबकी नजरों में चढ़ी है। अब मैंने भी इसे अगर सबके कदमों में ना डाला तो मेरा नाम भी अनीता नहीं। अरे वो हनीमून पे जा रहे तो जाने दो ने। तुम्हें किस बात की तकलीफ हो गई यार? क्यों, मेरा मन नहीं है क्या? आज तक तुम मुझे हनीमून पर लेकर गए क्या? अब वो शादी के फौरन बाद मुझे बिजनेस के सिलसिले में साउथ इंडिया जाना पड़ गया था, और तुम तो जानते हो कि पापा और भैया मेरे साथ थे। ऐसे में तुम्हें क्या अपने साथ डाल के ले जाता? बिजनेस बिजनेस बिजनेस, हर टाइम बिजनेस, पर शादी तो एक ही बार होती है ना। पर सच्ची बात तो ये है, हमारा और देवर जी का क्या मुकाबला? आखिर उनकी लव मैरिज जो ठहरी। ओ भगवान, ओ गुस्सा थोड़ा कम करो, इतना जलोगे बनोगे ना तो होने वाला बच्चा काला पैदा होगा। ओए, ओ, ओ, ओ जानू। जुदा हो
जुदा होंगे न पल पर को कि हमसे प्यार के मौसम खफा होंगे न पल पर को मंजर कह रहे हमसे इशारों ही इशारों में खिलाए फूल कुछ चाहत के हम भी इन बहारों में खिलाए फूल कुछ चाहत के हम भी इन बहारों में यहाँ गुजरे फना होंगे न पल भर को यहाँ गुजरे हुए लम्हे फना होंगे न पल भर को लगा दी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं तो तुम्हारे पास आ ही रहा था, लेकिन रास्ते में किसी खूबसूरत चीज ने रोक लिया। हटो, मर्दों की तो ये आदत ही होती है, खूबसूरत चीज देखी और उलझ गए। पूछ सकती हूँ उसका नाम? नाम ही क्यों, तुम उसे देख भी सकती हो, हाथ भी मिला सकती हो,
अरे भाई सुनती हो? मेरी राधा तुमसे मिलना चाहती है, जरा सामने तो आओ। ये क्या मजाक है, किसे लिए आए हो यहाँ? कितना सताने लगे हो, नहीं बात करनी तुमसे। तुम मत करो बातें, ये चूड़िया करेंगी मुझसे बातें। कुछ तो कह रही हैं चूड़िया, पर समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही हैं। चूड़ियों के मायने औरत के लिए अक्सर बदलते रहते हैं। शादी के बाद जब पति के हाथों चूड़ियां चढ़ती हैं, तो उसे सुहाग कहते हैं। रातों की सरगोशियों में जब मचलती हैं, तो उसे मोहब्बत कहते हैं। और मौत के हाथों जब छीन ली जाती हैं, तो उसे उम्र भर का दर्द कहते हैं। ये चूड़ियां जिंदगी के रंगों की पहचान होती है। सुनो, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, कभी मत जाना। तुम्हारे बगैर ये चूड़ियां खामोश हो जाती हैं, इनके रंग उड़ जाते हैं। कहीं मत जाना प्लीज, कभी मत जाना। मैं तुम्हें छोड़ के कहां जा सकता हूं राधा, और अगर चला भी जाऊं तो जीऊंगा कैसे? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, पक्का, कभी भी नहीं। छोटे लोगों के भी ना अपने बहुत मजे होते हैं। पढ़ाई के नाम पर सिर्फ बाहर ही बाहर, पढ़ाई के बाद एकदम शादी, शादी के बाद सिर्फ ऐश। घर परिवार और परिवार वालों की तो कोई चिंता ही नहीं, पैसा न मालूम कितना उड़ाते हैं। ऐसे अकेले में बड़बड़ करने से कुछ नहीं होगा भाभी, हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। ये सब तो चलता ही रहेगा, पर वो राधा है ना, उसने सब गड़बड़ कर रखी है, न मालूम क्या समझती है अपने आप को। मैं तो कहती हूँ आते ही उसको घर के काम में ठूस दो। रेवती वैसे भी अपनी लड़की की पढ़ाई लिखाई में रहती है, तुम तो पेट से हो, साफ साफ बता देना उसको माधुरी। ओहो बुआ, अगर ये बोलेंगी ना तो सबके सामने बुरी बन जाएंगी। मैं इनकी देवरानी बन गई होती ना तो जमीन पर पाँव नहीं रखने देती किसी को। कैसी मीठी मीठी बातें बना लेती है, बड़ी ऊंची चीज है ये अनीता, पर फिलहाल इसके साथ की जरूरत है। जो हो रहा है देख रही हो ना बुआ, और जो आगे भी होगा वो भी देखोगी, लेकिन मुझ पे भरोसा रखना, जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाचा आ गए। ओए बेटा। लो, आ गए मम्मी जी के लाडले, देखो तो प्यार कैसे उमड़ उमड़ के आता है। हाय पापा। अरे हाय सनी, वेलकम वेलकम वेलकम। जीते रहो जीते रहो। कैसा रहा सफर? पापा जब हम सफर इतना अच्छा हो तो सफर तो अच्छा रहेगा ही ना। प्रणाम। जीती रहो जीती रहो। भाई हमारे जमाने में तो हनीमून होता ही नहीं था, बस घूंघट उठाया और मुंह देख लिया। अरे वाह मम्मी, पापा ने कॉम्प्लीमेंट दिया आपको, देखा। अरे क्या ले आई बिटिया मेरे लिए? पापा आपके लिए छड़ी। क्या बात है, कितना ख्याल रखती है हमारी बहू हमारा, देखा। मम्मी जी आपके लिए। मेरे लिए भी? अरे वाह, हमारे लिए सहारा और तुम्हारे लिए साया। देवी काका ये आपके लिए चश्मा, नंबर मैंने आपके कमरे से ले लिया था। देखा बाबूजी, मेरे लिए भी तो लेकर आई चश्मा। बस तो आप पढ़ना लिखना सीखना शुरू कर दो, जैसे आपकी मर्जी बाबूजी। आ रही है। वोटिंग वोटिंग किया कि नहीं? भाभी ये आपके लिए। अनीता ये तुम्हारे लिए आईना है, इसमें चेहरे का एक एक रुआं दिखता है, चाहोगी तो इसकी मदद से तन मन दोनों संवार सकती हो। एक मिनट, आखिर हो तो मिडिल क्लास फैमिली से ही ना, तुम्हारी सोच तो वही रहेगी। तुम्हारे ये छोटे छोटे गिफ्ट्स सुबह कल डस्टबिन में पड़े मिलेंगे। अरे खेलो भाई, मैं खेलता हूँ, मेरी बारी है। अरे आपकी गिफ्ट्स। राधा जी, राधा, ओ राधा, उठो। छोटी भाभी है ही कुछ ऐसी, थोड़ा टेढ़ा बोलती हैं, उनकी बातों को दिल से नहीं लगाना, ठीक है? और वैसे भी अभी मैंने अपने आप को प्रूफ कहाँ किया,
जिस दिन मैं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से, अपनी मेहनत से, अपने काम से बिजनेस को थोड़ा सा भी प्रॉफिट दे दूंगा ना, उस दिन मुझे भी इज्जत मिलेगी और तुम्हें भी। टिल देन स्माइल 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 स्माइल। वैसे तो दिन सभी अच्छे हैं बड़ी ननद, पर शुक्रवार को रख लो गोद भराई तो बहुत बढ़िया है। मुझे तो बस अपनी बहुओं के लिए सब अच्छा ही चाहिए। अब मेरी मजली की डिलीवरी हो जाए और क्या चाहिए मुझे। मम्मी जी, गोद भराई के लिए क्या क्या करना है? अरे वही कुछ करना है जो तेरी गोद भराई पे किया था। खाना पीना, गाना बजाना, दावत, यही सब तो होता है। दादी दादी, चाची सीढ़ी से नीचे गिर गई। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? बच्चे की सांसें ठीक नहीं चल रही हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। श्याम प्रभु, तुम तो जानते हो क्या सच है और क्या झूठ। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, आज भी जरूर देना। भाभी और उनके होने वाले बच्चे की रक्षा करना प्रभु। अब कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दर्द भी बिल्कुल नहीं है। ओके, देन रिलैक्स। माँ, ऐसा लगता है जैसे अचानक सब कुछ ठीक हो गया है। सच? सब भगवान की कृपा है। कायदे से राधा की शादी के फौरन बाद ही हमें श्याम प्रभु का कीर्तन कराना चाहिए था, पर यही सोचते रह गए कि राधा और जवाई सा आएंगे तभी कीर्तन करा लेंगे। लेकिन ये बच्चे तो यहाँ आने का प्रोग्राम बना ही नहीं रहे हैं। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ हम लोग कीर्तन करा ही लें। कमाल करती हो तुम, राधा के बिना कभी आज तक श्याम बाबा का कीर्तन हुआ है जो अब होगा। और फिर ये तो राधा की शादी की मन्नत का कीर्तन है, राधा और जवाई सा दोनों का होना जरूरी है। तो ऐसा करो, दिन तय कर लो और राधा की ससुराल जाकर राधा को यहाँ ले आओ। जवाई सा साथ ना आ सके तो उन्हें और बाकी सबों को कीर्तन का न्योता देकर आओ, श्याम प्रभु का। हा? अरे मासा बिल्कुल ठीक कह रही है, आप ऐसा ही करिए। ठीक है। इतने काम करने वाले हैं घर में, जो चाहिए बैठे बैठे मांग लिया करो ना बहू। इतने चलने फिरने की जरूरत नहीं है अब। ठीक ही तो कहती है बुआ, इतने नौकर चाकर हैं घर में, और वो भी जिसे तुमने फसाया था। राधा। किसकी बात हो रही थी अनीता, किसने किसको फसाया? छोड़ो ना बुआ, ये सब अंदर की बातें हैं। ये लो, देख लो कौन आया। प्रणाम। कैसे आना हुआ, वो भी बिना बताए? फोन लगाने की बहुत कोशिश की, फोन नहीं लगा तो सोचा कि पास में ही तो जाना है, वो भी बेटी के घर। पर अंकल, आपकी बेटी तो यहाँ है ही नहीं, न वो न देवर जी। मगर उसने फोन किया था कि वो वापस आ गई है। पर अंकल, शायद आपको अच्छा ना लगे लेकिन सच कुछ और ही है। बताइए ना, क्या कहना चाह रही हैं आप? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। एक बात हो तो बताए, जब से इस घर में आई है कुछ न कुछ गलत काम किए जा रही है, और बेचारी माधुरी से क्या दुश्मनी है कुछ समझ में नहीं आता। पहली बार माँ बनने वाली है, फिर भी आगे तो कहिए। मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्यों, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मुझे तो राधा से मिलना है। दो थप्पड़ मारूंगा उसे और पूछूंगा कि इतनी बदतमीज कैसे हो गई वो। और हाँ, मुझे समधी जी से भी माफी मांगनी है। अंकल आप कितने अच्छे हैं, लेकिन राधा, खैर छोड़िए, अभी ये माधुरी भाभी हॉस्पिटल में थी और वो मोहन को लेकर फिर से निकल गई सैर सपाटे के लिए। बाकी के लोग तो पहाड़ वाली देवी के दर्शन के लिए गए हैं, क्योंकि माधुरी भाभी के ठीक होने की मन्नत मांगी थी उसको पूरा करने के लिए। समधन जी, मैं आप ही से माफी मांग लेता हूँ, मैं तो श्याम बाबा की कीर्तन का निमंत्रण देने आया था आप सभी को। चलता हूँ, प्रणाम।
राधा वापस आए तो उसे कहिएगा मैं आया था, मुझे फोन करे। श्री राम। जय श्री श्याम। रामेश्वर राधा और जवाई साहब को लेकर आता ही होगा। हाँ। मासा लगता है आगे। हाँ। मैं देखती हूँ। आइए। अरे आप अकेले, राधा नहीं आई? बेटा दोनों तेरे साथ नहीं आए? वो नहीं आएंगे अम्मा। क्यों, सब ठीक तो है ना? हे भगवान, अब श्याम प्रभु का कीर्तन कैसे होगा? कीर्तन तो होगा। हेलो। हेलो नेहा, तुम आज कीर्तन है, तुम अभी तक आई नहीं? घर में कीर्तन है? हाँ। मैं आ रही हूँ, बस 2-2.5 घंटे में पहुँच जाऊंगी। अच्छा ठीक है। मम्मी जी मुझे फौरन किशनगढ़ जाना होगा। सब ठीक तो है ना बेटा? श्याम प्रभु की कृपा से ठीक है और ठीक ही रहेगा मम्मी। और अभी अभी पता चला घर में श्याम प्रभु का कीर्तन है, आज तक ऐसा नहीं हुआ मेरा हाथ लगे बिना कीर्तन हुआ हो। अरे बेटा पहले बताया होता तो हम भिजवा देते, बल्कि हम सब तुम्हारे साथ ही चलते। ऐसा करो तुम मोहन को साथ लेके चली जाओ, ये कहीं बाहर गए हैं और मेरे पास इनका इंतजार करने का समय नहीं। आए तो बता दीजिएगा मैं गई हूँ। तो देवी काका को ले जाओ, 2-2 घंटे का तो सफर है मम्मी, चली जाऊंगी। अच्छा फिर ठीक से जाना। चलो चलती हूँ। जीती रहो। जी फर्ज बनता है, कुछ तेरा भी धर्म बनता है हमारे घर आने का। कुछ तेरा भी फर्ज बनता है हमारे घर आने का। खाटू के सितारे आ जा रे, भक्तों के दुलारे आ जा रे, हार के सहारे आ जा रे, आंगन में हमारे आ जा रे। सुरमा तेरे लिए बनाया यह खीर चूरमा, ओ वीर शिरोमणि सुरों के सुरमा तेरे लिए बनाया यह खीर चूरमा। हर दिन हम तेरा दिया खाएं, दिन है तुझे
तुझे जिमाने का, दिन है तुझे जिमाने का, हर दिन हम तेरा दिया खाए, दिन है तुझे जिमाने का, कुछ तेरा भी फर्ज बनता है, कुछ तेरा भी धर्म बनता है, प्रसाद यहाँ पाने का, कुछ तेरा भी फर्ज बनता है, प्रसाद यहाँ पाने का। सितारे आ जा रे, भक्तों के दुलारे आ जा रे, हारे के सहारे आ जा रे, आंगन में हमारे आ जा रे। शाम रंग, शाम रूप, शाम नाम हरे।
विशेष की जय, दानी विशेष की जय, सच्चे दरबार की जय, बोल लखदादार की जय, बोलो श्याम धनी की जय। अरे कब का गया तो अब आया है, कहाँ चला गया था? माँ मेरी बात तो सुनो, मैं ऑफिस गया था, नए बिजनेस की कुछ पेपर्स तैयार करने थे, बस वहीं देर हो गई। राधा अपने पीहर गई है, फोन आया था। फोन आया था? कोई खास बात तो नहीं? कह रही थी किसी पूजा में पहुंचना बहुत जरूरी है, इसीलिए तेरा इंतजार भी नहीं किया। जरूर श्याम प्रभु की पूजा होगी। श्याम की? हाँ, वो राधा का बचपन से ही अटूट विश्वास है श्याम पे, वो जो खाटू के श्याम है उन पे अटूट विश्वास है। अरे मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा माँ आप चलो, मैं दो मिनट बात में। तो सुन। अरे चलो तो सही। हाय डैड। हेलो मामा जी। हाय भांजे, क्या बात है, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे साले भाई, हंसने खेलने के तो दिन है। पापा एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। पापा क्यों ना कुछ नया शुरू किया जाए। भाई अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ब्राइट है तो करने में क्या हर्ज है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या है? सॉफ्टवेयर पापा। पापा आजकल के मॉडर्न एज में सॉफ्टवेयर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? कुछ 2-2.5 करोड़ पे पापा। 2-2.5 करोड़? अरे साले साहब, आज के जमाने में 2-2.5 करोड़ रुपए क्या होता है, और जब इसमें फल लगेंगे ना फल, तो 2 गुना और 4 गुना होगा। क्यों बेटा? राइट पापा। तो फिर देखा राधा रानी के पिताश्री को कैसे उल्टे पांव लौटाया। नहीं हाँ, पर वो नेहा की बात तो खुल ही गई होगी ना। क्या बात हो गई, फिर क्या हुआ? एक बात खुल गई तो दूसरी बात बना देंगे। ये अनीता भी ना, जब ओखली में सर दे देती है तो मुसलों से बिल्कुल नहीं डरती। हे राम हे राम। धर्मपत्नी जी, मेरा तो दिल घबरा रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? जीजा जी ने मोहन को 2.5 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। 2.5 करोड़? 2.5 करोड़? हाँ, उससे वो नया धंधा शुरू करना चाहता है। नया धंधा? हाय राम, लुट गया मैं, लुट गया, बर्बाद हो गया मैं तो, बर्बाद हो गया। वेरी गुड, क्या वेरी गुड। माधुरी भाभी जैसे झल्लाई हुई है ना, इससे ये पता चलता है आग तो सुलग गई है, जरा सी हवा देनी है। उठो, उठिए ना। अरे यार क्यों तंग कर रही हो, सोने दो ना। अरे वाह, आपको यहाँ सोने की पड़ी है। आपके पापा जी वहाँ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ, छोटे बेटे को तो मुंह मांगा पैसा दे दिया। हाँ भक रही हो तो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी खुद मामा जी ने कहा है मामी जी से। एक मिनट। हेलो। हाँ भाभी। अनीता जरा मामा जी से कहना इन्हें बताएं, वो क्या सुनकर आए हैं। अंकल आपके लिए फोन है। कौन है? हेलो। हाँ जी मामा जी, कहिए क्या बात है। बर्बाद हो गया, मोहन नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है। क्या? जीजा जी ने 2.5 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। अच्छा तो ये बात है, फिर तो बड़े भैया से बात करनी होगी। बिल्कुल अभी इसी वक्त। अनीता। हाँ भाभी। अब आएगा मजा, ये तो गए हैं बड़े भैया के पास, और फिर वो दोनों जाएंगे पापा जी के पास, और फिर होगा एक धमाका, जोरदार धमाका। क्या चाहती हो, धमाका किस तरह का हो? बस यही, जो मोहन को मिल रहा है वो दोनों भाइयों को मिलना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके ओके। मजा तो तब आएगा कि धमाका इतनी जोर का हो कि राधा रानी के कानों के पर्दे फट जाएं। देखो हो तो तुम मेरी अर्धांगिनी, तुम्हारी पूजा पाठ भक्ति श्रद्धा से थोड़ा सा पुण्य तो मुझे भी मिल जाएगा, और सही बोलूं तो पुण्य मिलना भी शुरू हो गया है। वो कैसे? वैसे कि पापा ने मेरे नए बिजनेस स्टार्ट करने की बात मान ली है। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि मैं तुम्हें लेने कब आ सकता हूँ। राधा तुम्हारे बिना ये घर बहुत सुना सुना सा लगता है। कल परसों में मुझे कीर्तन का नारियल लेकर खाटू धाम जाना है, आप कीर्तन में तो नहीं आ सके,
पर अगर खाटू धाम पहुँच जाए तो हम साथ साथ दर्शन कर लेंगे और माँ बाबूजी ने शादी में जो मन्नत मानी थी वो भी पूरी हो जाएगी। पापा, मोहन अभी सिर्फ डिग्री लेकर आया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, फिर आप उसे इतनी बड़ी रकम कैसे दे सकते हैं? उसे नहीं, बिजनेस के लिए। डैड, इससे पहले आपने अपने बेटों को तो इतनी छूट नहीं दी थी, इंटरेस्ट हो या ना हो करो वही मार्बल का बिजनेस। आफ्टर ऑल हम भी बंसल एक्सपोर्टर्स के वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं, और आप हमसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? अरे, ऐसे कैसे अकेली बैठी हो? तबीयत तो ठीक है ना बड़ी ननद? क्या कहूं, आज तक जो ना सुना ना हुआ वही अपने कानों से सुनकर आ रही हूं। अजय और विजय की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि अपने पापा के सामने ऊंची आवाज में बहस करने लगे। आपके भाई भी शायद इसलिए उदास थे, उन्होंने भी शायद कुछ ऐसा ही सुना होगा। एक ही बात का तो इन्हें अभिमान था कि इनके घर में राम राज्य चलता है। बड़ी ननद, राम राज्य में भी कई कई थी, सच और झूठ क्या है मैं जानती नहीं हूं, लेकिन अनीता कह रही थी कि। अनीता? हाँ हाँ, उसका बहुओं के साथ बड़ा मेल मिलाप है, उसने जो सुना वही मुझे बताया। क्या सुना? यही कि लड़ाई की जड़ राधा है। क्या? उसी ने मोहन को भड़काया है और मोहन ने जीजाजी तक से अलग धंधे की बात की। पता है, कहती है इतने बड़े परिवार के लोगों के नखरे नहीं झेल सकती है, वो अकेली रहेगी वो। हाँ? अपने मोहन के साथ। अच्छी आई है ये राधा। चले। राधा, ये लो बेटा, आओ। आज अगर मोहन भी साथ होते तो कितना अच्छा होता। श्याम प्रभु ये नहीं आ सके उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, पर जल्दी ही मोहन राधा की जोड़ी आपकी चौखट पर माथा टेकने जरूर आएगी। मोहन, सुना है तुम अलग से बिजनेस कर रहे हो और उसके लिए पापा ने तुम्हें 2-2.5 करोड़ रुपए सैंक्शन भी कर दिए हैं या दे ही चुके हैं। मोहन, इतना बड़ा स्टेप उठाने से पहले तुम्हें हमसे ये बात शेयर नहीं करनी चाहिए थी। ये क्या कह रहे हैं भैया? अरे ना ही ऐसा कोई स्टेप उठाया गया, ना ही मेरा कोई अलग बिजनेस है, ये सब बंसल एक्सपोर्टर्स का ही तो छोटा सा हिस्सा है। तो भी हमसे पूछे बिना तुम्हें करोड़ों से खेलने की इजाजत नहीं मिल सकती, क्योंकि हम भी बंसल एक्सपोर्टर्स के वन ऑफ द शेयर होल्डर्स हैं। भैया, आप मेरी नियत पे शक कर रहे हैं? मेरी नियत पे? अरे पापा ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, उसे बिजनेस को थोड़ा सा मुनाफा कमा के देना चाहता था मैं। क्या भरोसा इस बात का कि तुम हमें फायदा ही दोगे? बोलो विजय, क्या हो रहा है सब? डैड, अच्छा हुआ कि आप आ गए। डैड, हमारे मना करने के बावजूद भी आपने सारा पैसा मोहन के नाम पर ट्रांसफर कर दिया, क्यों? ओफो, ये मोहन के नाम इसलिए क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए। हा? और कायदे से अभी कंपनी की शुरुआत नहीं हुई है। पापा पापा, वही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या भरोसा इस बात का कि जो पैसा आपने मोहन को बिजनेस के लिए दिया है उसका मिसयूज नहीं होगा? वो पैसा इसकी पत्नी के अकाउंट में नहीं जाएगा? बस राधा को इस बीच घसीटने की कोई जरूरत नहीं। माफ कीजिएगा पापा, मैं राधा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। अच्छा, वेरी गुड, वाह वाह, देखो पापा अपने लाडले को, कमाल है। तुम्हारा खून खून हमारा खून पानी, तो ठीक है, हम भी अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे, उनके साथ बात नहीं होने देंगे, उन्हें जरा सा भी दुखी नहीं होने देंगे हम, समझ गए? अगर पैसा तुम्हें मिलेगा तो पैसा हमें भी मिलेगा, और वो भी कैश। खामोश। जिस घर में आज तक किसी ने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की,
उसे तुमने सब्जी मंडी बना रखा है। क्या ना क्या चाहते हैं आप? हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? हम लोग मुंह बंद करके अत्याचार और पशुपात सहते रहे? बड़े भैया चुप, बिल्कुल चुप। बड़े भैया ठीक ही तो कह रहे हैं, अपनी बीवी के सिखाए पढ़ाए में आकर ना जाने कौन सी घुट्टी पिलाई है तुमने हमारे पापा को कि हमारे पापा हमेशा दुरा छुपाव करने लगे हैं। मेरी वजह से अगर पापा को एक शब्द भी कहा तो ठीक रहेगा। क्या कर लेगा तू? हाँ, क्या कर लेगा तू? एक नहीं मैं हजार बार कहूंगा, भेदभाव किया इन्होंने हमारे साथ, पक्षपात किया है। मोहन 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 राधा, भैया किसी को भिजवाओ, देखो ना मोहन कहाँ है। जी जी, मोहन का तो कुछ पता ही नहीं। इनकी तबीयत देख के तो मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप फिक्र ना करो जी जी। और राधा को भी निवाला हो। बड़ी ननद, मैंने राधा को फोन किया था, उसने आने से मना कर दिया। क्या? फिक्र ना करें जी जी, ईश्वर पर छोड़ें, सब ठीक होगा। अब कैसा फील करें बंसल साहब? बेहतर, गुड। माँ मैं घर जाऊंगी। बेटा हाँ हम लोग घर ही जाएंगे। हाँ नहीं माँ, अपने घर, अपने ससुराल जाएंगे। बेटा जरूर जाएंगे, पहले अपने घर चल, वहाँ से मैं तुम्हें तुम्हारी ससुराल। नहीं मैं यहाँ से सीधे जाऊंगी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कुछ गड़बड़ तो है। बेटा ये तेरा वहम है, अगर कुछ ऐसा होता तो वो लोग फोन कर देते, और वैसे भी तेरे बाबूजी का नंबर है ना जवाईसा के पास। हाँ माँ मुझे मत रोको, मेरा मन जो कह रहा है करने दो। अच्छा ठीक है, सुनिए जी आप मुझे बस में बिठा दीजिए और इसे लेके आप चले जाइए। नहीं माँ, बाबूजी नहीं जाएंगे, एक बार इनका अपमान हो चुका है, मैं नहीं चाहती कि कोई दोबारा इन्हें। तुलसी तुम भी कमाल करती हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि राधा को ये बात मत बताना। बात बताना जरूरी था ताकि कम से कम आगे से ये अपने आंख कान खोल के रहे। अरे बिटिया। प्रणाम काका। जीते रहो जीते रहो, अच्छा किया तो आगे बिटिया, बहुत बुरा हुआ है बिटिया, बहुत बुरा हुआ है। मुझे तो पहले ही श्याम प्रभु ने इशारा कर दिया था, इसीलिए खाटू धाम से सीधे यहीं चली आई। अच्छी बात है बिटिया, चलो चलो बाबूजी के पास चलते हैं, चलो चलो मेरी बिटिया। इतनी बार बुलाने के बाद प्रणाम। आप परेशान मत होइए मम्मी जी, मैं श्याम प्रभु का प्रसाद लेकर आई हूँ, पापा एकदम ठीक हो जाएंगे। नहीं डॉक्टर साहब ने मना किया है दवाई के अलावा कुछ और देने के लिए। हाँ राधा आई एम सॉरी, हमें तुम्हारे सेंटीमेंट्स को हर्ट करना पड़ेगा, पर क्या करें। ठीक है प्रसाद यही रख देती हूँ, अगर इच्छा हो तो दे दीजिएगा। मम्मी जी आप दिन भर यहाँ से हिली नहीं, जाइए मेरे रूम में जाके रेस्ट कर लीजिए। नहीं बेटा मैं यही रहूंगी इनके पास। मम्मी जी पेशेंट के पास किसी को नींद नहीं आ सकती, मैं हूँ ना, आप चिंता क्यों कर रही हैं, जाइए प्लीज। अच्छा राधा आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, मम्मी जी के सामने कुछ कहने की मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी, इसीलिए मैंने तुम्हें प्रसाद देने से मना कर दिया था, लेकिन अब कमरे में कोई नहीं है, तुम चाहो तो पापा जी को जाके प्रसाद दे सकती हो। और हाँ मोहन की फिक्र मत करना, तुम जैसी बीवी को छोड़कर भला वो कहाँ जाएंगे, पुलिस ने अश्योर किया है कि उन्हें ढूंढकर वो कहीं से भी ले आएंगे। थैंक यू अनीता, आई एम सॉरी हमने तुम्हें कितना गलत समझा। नाउ डोंट वेस्ट टाइम ओके, जाओ जाके पापा जी को प्रसाद खिला दो। ओके
डोंट वरी राधा रानी, धीरे धीरे और ज्यादा समझ जाओगी। मैं देती हूँ पापा। अरे तू कब आई बेटा? थोड़ी देर पहले, आप सो रहे थे। हाँ। अब कैसी तबीयत है आपकी बेटा? पापा सब ठीक हो जाएगा, आप ये प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, खाटू श्याम जी का प्रसाद, ये भी आ जाएंगे, आप भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे पापा आप जाग रहे हैं? चलिए अच्छा हुआ, आपकी दवाई का भी टाइम हो गया। दवा हम दे देंगे, बता दो कब कौन सी दवा देनी है। I'm sorry राधा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और वैसे भी दो तीन लोगों के होने से दवाइयों में कंफ्यूजन हो जाएगा। आप आराम कीजिए पापा। ठीक है बेटा। डॉक्टर फोन कर दिया। डॉक्टर ये क्या हुआ? देखिए ना ये झाग क्यों निकली डॉक्टर? अरे ये क्या हो गया इन्हें? इन्हें दवा कौन देता है? जी मैं। लेकिन दवाओं के अलावा भी रात में इन्हें खाने में कुछ दिया गया? सॉरी डॉक्टर साहब, अब तो बताना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब राधा पापा जी को प्रसाद खिलाना चाहती थी, सबने मना किया, लेकिन मैंने सोचा इसका दिल टूट जाएगा, तो मैंने इससे कहा कि पापा जी को थोड़ा सा प्रसाद खिला दे। अब इसने कितना क्या खिलाया आई डोंट नो। डॉक्टर साहब प्रसाद तो कण भर ही होता है, वही दिया था। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है इनके पेट में पॉइजन पहुंच चुका है। पॉइजन? पॉइजन? जबकि दवा के अलावा सिर्फ प्रसाद ही दिया गया है। सच सच बता रहे तुमने क्या दिया है पापा को? बोल, जवाब दो राधा। मैंने तो सिर्फ प्रसाद ही दिया था बड़े भैया, वही प्रसाद जो मैंने भी लिया था, मेरे माता पिता ने भी। आप चाहे तो उसकी जांच करा सकते हैं, यही तो रखा है। कहाँ गया? अनीता तुम तो यहीं थी, तुम्हें पता होगा। मम्मी जी आपने तो देखा होगा। सरासर झूठ बोल रही है ये। चुप, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। इनके इलाज का है, डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। इन्हें फौरन मेरे क्लिनिक ले चलिए। मम्मी जी उनका फोन आया था, पापा जी अब खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। क्या? थैंक गॉड। बहुत बड़ा खतरा टला है बड़ी ननद, मैंने तो सत्यनारायण की कथा मान ली। पर मामी जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि पापा जी को किसी ने बहुत ही खतरनाक जहर दिया था। क्या? कौन दे सकता है? कौन करेगा ये राक्षसों जैसा काम? दुश्मन तो अपनों में ही होते हैं। अनीता तुम तो बोल पाओगी नहीं, पर मैं बताती हूँ, ये काम तो मम्मी जी सिर्फ राधा का है। और राधा को क्या फायदा होता अगर इनकी जान जाती तो? मम्मी जी फायदा, एक तो मोहन घर से चला गया उसकी खुन्नस, और दूसरा अनीता उसको तो ये फूटी आंख नहीं सुहाती, और सबसे बड़ी बात यह है पापा जी को दवाई भी यही देती थी, तो इल्जाम सीधा अनीता पे आएगा। मेरे श्याम प्रभु आप कहाँ चले गए? मेरे मोहन और श्याम दोनों ही मुझसे रूठ गए, मैं क्या करूं? इतना बड़ा इल्जाम लेकर मैं कैसे जीऊं? कैसे श्याम प्रभु कैसे? या तो आप आकर सब कुछ ठीक कर दीजिए, या आप मुझे ही अपने पास बुला लीजिए, मुझ में इतनी सहन शक्ति नहीं है, नहीं है। बंद करो ये रोना धोना, बंद करो ये नाटक। पहले मेरे बेटे को अपने परिवार से अलग करवाया, घर में कलह करवाया, मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया,
आज तक उसका पता नहीं वो है कहाँ, और अब मेरे पति को जहर नहीं है। मम्मी जी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं आखिर ऐसा क्यों करूंगी, मैंने तो बस पापा को। बस, मुझे कुछ नहीं सुनना, अपना सामान उठा और निकल यहाँ से, तेरे घर वालों से बात हम कर लेंगे। कैसे माँ बाप हो तुम, बेटी इतनी परेशान थी फिर भी तुम लोगों ने उसे अकेले जाने दिया। क्या करते अम्मा, आप तो जानती हैं जब वो जिद पर उतरती है ना तो किसी की। राधा, इतनी रात गए, क्या बात है बेटा, क्या बात है, अरे कुछ तो बोल। राधा राधा, इन्हें छोड़, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, हाँ बता बता मुझे क्या हुआ। मैं फोन लगा के पता करता हूँ। नहीं बाबूजी, बस इतना समझ लीजिए, जिस घर से उसका पति चला गया हो उस घर में उसकी पत्नी के लिए कोई जगह नहीं होती। जमाई सा, वो गुस्से में कहीं चले गए, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ, मगर जो कुछ भी हुआ उसका दोष मुझे ही दिया जा रहा है। राधा, देख देख बेटी, घबरा मत, तुझे अपने श्याम प्रभु पर पूरा भरोसा है ना, वो तेरी सारी चिंताएं दूर करेंगे। हाँ घबरा मत, देख लेना। राधा रो मत बेटा, रो मत। मोहन अभी तक नहीं आया, अब तो फिक्र होने लगी है। जीजाजी भी पूछने लगे हैं क्या करूं क्या कहूं। देख लेना, आ जाएगा। ये सब उल्टा पुल्टा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मनहूस छोटी बहू बनकर घर में आई है, उसके कदम ही अशुभ है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और वही होगा जो मैंने पहले से चाहा था। मेरी अनीता इस घर की बहू बनेगी और मेरी प्रेस्टीज बढ़ जाएगी। मोहन जो मुट्ठी में आ जाएगा। बुआ, मेरे पास एक प्लान है। क्या? ऐसा प्लान जिसमें सभी का फायदा है, और जिस प्रेस्टीज की तुम बात कर रही थी वो प्रेस्टीज भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आज की डेट में प्रेस्टीज बढ़ती है इससे। प्लान क्या है तेरा? बताती हूँ। बच्चों, करना कुछ नहीं है, बस मोहन के आने से पहले जीजा जी से पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत करवाने हैं। मामा जी डांट नहीं मानेंगे। अरे कहना आना चाहिए, कहना कि उसके दस्तखत के बगैर काम रुकते हैं और काम रुकने नहीं चाहिए। वो सब तो ठीक है मामा जी, लेकिन पापा से कहने की हमारी हिम्मत तो है नहीं। ठीक है, मैं कह दूंगा, उन्हें शीशे में मैं उतार लूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसे शर्त? प्लान के हिसाब से मोहन के आने से पहले उसके शेयर का मैक्सिमम हिस्सा हमारे हाथ लग जाए। 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़? तो कुल रकम का 30-30% तुम दोनों का और 40% मेरा। What? अब बहुत ज्यादा है मामा जी, ये दिमाग किसका है? किसका दिमाग है? ठीक है, अगर तुम लोगों को मंजूर नहीं है तो मैं जीजा से उल्टा कह सकता हूँ कि तुम दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है, सोच लो। अपने आप को संभाल राधा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और फिर तू तो कितनी श्रद्धा रखती है अपने श्याम पर। हाँ नेहा, मैंने कहा ना
मेरे श्याम और मोहन दोनों ही मुझसे रूठ गए। मैं क्या करूं? ये पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स हैं, इन पे साइन कर दीजिए। ये लीजिए। एक यहां और एक यहां, ये लीजिए। थैंक यू। ये पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने तुम दोनों भाइयों के नाम कर दी है। जी डॉक्टर। लेकिन मोहन की गैर मौजूदगी में इसका इस्तेमाल जब तक जरूरी ना हो तब तक मत करना। जी। और वो भी मुझसे पूछे बगैर। पापा बिल्कुल बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। माँ जी। जीजू आप बिल्कुल परेशान ना हो, अपना मोहन बहुत जल्दी वापस आने वाला है। अरे राम जी, इस वक्त कौन घर में आ गया है? अरे मोहन बेटा आजा 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 बच्चे आजा, बड़ा अच्छा किया तू घर आ गया। तुम्हें मालूम है बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। क्या? और राधा बिटिया भी घर छोड़कर जा चुकी है। सब लोग बहुत, ये क्या कह रहे हो काका? सब लोग बहुत याद करते हैं बेटा तुम्हें। अब क्या बताऊं बेटा, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। अच्छा किया बेटा तू घर आ। मोहन माँ, कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था? अपनी माँ को जीते जी मार गया था। तूने एक पल भी नहीं सोचा मेरे बारे में। चुप। चुप हो जाओ माँ। माँ, पापा कैसे? वो ठीक नहीं है, तुम्हें बहुत याद करते हैं। चलो अब पहले उन्हें मिल। जाने के बाद तबीयत क्या बिगड़ी कि बिस्तर ही पकड़ लिया। मालकिन पानी बस कर ले, पानी पी ले। देवी। जी मालकिन। मेरे बेटे के लिए कुछ अच्छा सा बनाना, मैं इसको अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ। जी मालकिन। अब उठ, चल कुछ खा ले। माँ, डोरबेल से सब लोग जा गए, राधा नहीं जागी क्या? वो जब से तुम गए हो देवर जी, तब से वो अपने मायके में ही तो है। कोई बात नहीं, मैं उसे अभी फोन कर देता हूँ, कहूंगा कि जल्दी आ जाए, उसका पासपोर्ट वगैरह बनवाना है। वो तो ठीक है, क्या तुम ऐसी औरत को अपनी पत्नी बनाना चाहोगे जिसने डैड को मारने की कोशिश की? क्या बात कर रहे हैं? वही जो तुम सुन रहे हो, यही सच है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो इस घर में बहू बनने के लायक थी ही नहीं। ये नहीं हो सकता। चलो मेरे साथ। मम्मी वहां पर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए तुम्हें यहां लाया हूं बताने के लिए। पता तुम्हारी बीवी ने क्या क्या किया यहां पर? तुम्हारे जाते ही उसने पापा से कहा कि तुम्हारी सारी पावर होटल ने उसके नाम पर कर दी जाए। मैम सब ऑफिस में जाना चाहती थी, जब पापा ने मना किया तो उसने पापा को जहर दे दिया। ये कहां ले गए उसे? अरे अभी अभी तो आया था और अभी उसका दिमाग खराब करना शुरू कर दिया। कम से कम मेरा बेटा खाना तो खा लेता। इसलिए बड़ी ननद, ताकि उसे जितनी जल्दी नफरत हो जाए उस नागिन से उतना अच्छा होगा। उन दोनों के बीच में तलाक हो जाएगा और फिर अनीता जैसी बहू इस घर की सेवा के लिए आ सकती है।
आखिर जो रंगत थी गुलाबों की। वो शोला बन गई आखिर जो रंगत थी गुलाबों की। ये धोखा था हमें हम रमज़दा होंगे न पल भर को। जुदा है वो जो कहते थे जुदा होंगे न पल भर को। बहुत ही सीरियस बात है ये। जिससे प्यार किया शादी की उसी ने छुरा घोंप दिया। खैर मोहन जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जैसे राधा को आपने इस तस्वीर से अलग करके फेंक दिया है ना, वैसे ही उसे अपनी जिंदगी से भी निकाल दीजिए। और उन अपनों के बारे में सोचिए जो दिन रात आपकी फिक्र में ना तो ठीक से खाते हैं और ना ठीक से सोते हैं। उन पापा जी के बारे में सोचिए जो मौत के मुंह से सिर्फ आपके लिए लौट के आए हैं। अच्छा मैं तो कहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए किसी के बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। घूमिए फिरिए, हेल्थ बनाइए, दूध पीजिए। नहीं। ओफ ओफ पीजिए। ये मोहन का बच्चा आ भी गया और हमारा काम अब तक शुरू नहीं हो पाया। कल जब मैं मोहन के कमरे में दूध का ग्लास लेकर गई तो मैंने देखा कि बीवी की बेवफाई और बदतमीजी ने उनके दिलो दिमाग पे बहुत असर किया है। बिरहा की आग में जल रहे हैं वो। भगवान करे कि वक्त का पानी इस आग को बुझा दे, नहीं तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट मोहन बहुत ज्यादा इमोशनल है। मामा जी, मेरे ख्याल से अनीता बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें अपने प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। ओह वी आर गेटिंग लेट, लेट्स गो। चलते मामा जी, बाय अनीता, टेक केयर। ओके मामा जी। बहुत ही समझदार है दोनों, लेकिन अंकल मोहन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। क्यों? ये बात कि मोहन और राधा की जोड़ी टूटे सुनने में इतनी बुरी लगती है, तो जिस पे बीत रही होगी उसका क्या हाल होगा? दुख तो है, लेकिन अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मोहन किसी को पहचानने तक। शुभ शुभ बोल छोरी, शुभ शुभ बोल। मोहन बहुत अच्छा लड़का है, देखना बहुत जल्दी खुद को अपने आप को संभालेगा। अगर ऐसा है तो काम स्पीड से होना चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरा कोई भी प्लान फ्लॉप हो। और इससे पहले कि पापा जी मोहन को समझाएं और वो ऑफिस ज्वाइन करें, मैं चाहती हूँ कि आपके दोनों भांजे सारा पैसा खींच लें। ये आजकल की छोरियां, बाप रे बाप। पापा, मेरी वजह से आपकी हालत हुई है ना, मैं यूं घर छोड़ के जाता और ना ही ये। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अब तू आ गया है ना, सब ठीक हो जाएगा। पापा, एक बात कहूं? बोलो बेटा। राधा मेरी पत्नी है, उसने आपके साथ जो भी कुछ करने की कोशिश की उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन पापा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। बेटे सच क्या है ये तो ईश्वर ही जानता है। क्या हुआ बेटा? पता नहीं पापा, आंखें भारी भारी से हो रही हैं और चक्कर से आ रहे हैं। शायद नींद पूरी नहीं हुई होगी बेटा, जा जाकर सो जा। बड़ी खुश है तू? मोहन आ गया इसलिए ना? हाँ, धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती जाएगी और हमारा काम सही होता जाएगा। मतलब एक हफ्ते में सारा पैसा मेरी मुट्ठी में होगा और फिर मेरे पर निकल आएंगे और मैं उड़ने लगूंगी ऊंची ऊंची ऊंची। क्या पक रही है तू? बुआ,
मोहन पहले जैसा मोहन नहीं रहेगा। इसका इंतजाम मैंने कर दिया है। क्या? स्लो पॉइजन यानी कि धीमा जहर। इससे आदमी मरता नहीं लेकिन किसी काम का भी नहीं रहता। ये तू ये क्या? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम। मैंने सिर्फ सोचा था कि राधा मोहन के जीवन से चली जाए और तू उसकी जगह ले ले। पर तू तो, ओ बुआ, मुझे कौन सी मोहन से मोहब्बत हो गई थी? मैं तो सिर्फ उसकी दौलत के लिए उससे शादी करना चाहती थी। और मेरे प्लान के मुताबिक अजय, विजय, तुम्हें और मुझे उम्र भर के लिए इतनी दौलत मिल जाएगी कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे क्या देख रही हो बुआ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारा और अंकल जी का बुढ़ापा मैंने संवार दिया। घोर कलयुग आ गया है। इस मरी का भला सोच के राधा बेचारी का बुरा सोचा और ये तो हमारे मोहन की ही जान की दुश्मन बन बैठी है। भगवान इसे सद्बुद्धि दे। श्याम प्रभु, अगर कोई अनिष्ट की आंधी चलने वाली है तो उसे अपने आशीर्वाद की बरखा से रोक दो, रोक दो प्रभु। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरे परिवार में क्या हो रहा है? हमारे घर में शांति थी, सुख था, खुशी थी। सबसे पहले तो इनकी तबीयत बिगड़ी, वो भी घर की बहू के कारण, और अब मेरा मोहन, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। डॉक्टर आता है, दवा दे के चला जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा भगवान, कुछ समझ में नहीं आता। मैं आपका दुख जानता हूँ बीबी जी, और इस दुख का कारण भी जानता हूँ मैं। आज से नहीं जानता बीबी जी, तब से जानता हूँ जब इस दुख का पहला पत्थर इस घर पे पड़ा था। लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है बीबी जी। मेरा जो भी होता है होने दो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन जिस घर का बीबी जी मैंने बरसों नमक खाया है, मैं उसको बर्बाद होते नहीं देख सकता बीबी जी। इस घर को बचा लो बीबी जी, इस घर को बचा लो। बोले ही जा रहा है कि कुछ बताएगा भी? अब क्या बताऊं बीबी जी, जिस घर से लक्ष्मी जैसी राधा बहू को यह कहकर निकाल दिया गया कि उसने बाबू जी को जहर दिया है क्योंकि वो अलग रहना चाहती है। ये सब गलत है बीबी जी, सब गलत है।
दरअसल बात यह है, जब अनीता मेम साहब की शादी मोहन बेटे से नहीं हो सकी तो उसने राधा बहू और इस घर को बर्बाद करने की ठान ली। मुझे वो दिन आज भी याद है जब उसे बाबूजी के दूध में जहर मिलाया था। और मेरी जुबान ये कहकर बंद करवा दी कि अगर मैंने किसी को बताया तो मेरे पोते को मरवा डालेगी। लेकिन अब जो हो रहा है वो तो बहुत बुरा हो रहा है बीवी जी, उसने आपके भाई को और आपके बच्चों को अपने साथ मिला लिया है और वो भी सिर्फ पैसे के लिए। ना जाने वो मोहन बेटे को खाने में क्या खिलाती है कि उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बीवी जी मोहन बेटे को बचा लो, बीवी जी मोहन बेटे को बचा लो। इतनी बड़ी तबाही हो गई, इतना बड़ा अपराध हो गया और तू मुझे अब बता रहा है। मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने घर की लक्ष्मी को घर से निकाला, उस पे इल्जाम लगाया, उसको बुरा भला कहा। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। मुझे राधा से माफी मांगनी होगी, मुझे राधा से माफी मांगनी होगी। उसे घर बुलाना होगा, लक्ष्मी की प्रतिमा को उसके स्थान पर बिठाना होगा, नहीं तो कुछ अच्छा नहीं होगा, अनादर हो जाएगा। बेचारा हर तरफ से गया, ऑब्वियसली मिस खलनायिका। अनिता मुझे नहीं पता था कि तुम इतना बढ़िया स्क्रीन पे लिखती हो, वो भी क्राइम का। क्यों? अरे भैया आजकल के टीवी सीरियल देख करके ना सब लोग थोड़े बहुत आइडियाज आ ही जाते हैं, लेकिन दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। अनिता कमाल ही कर दिया तुमने, और तुमने तो ये सब कुछ स्लेट पे कर दिखाया। वाह वाह वाह। और हाँ, सबसे कमाल की बात, मम्मी जी को ये लग रहा होगा कि बेचारी राधा के गम में या फिर उसकी बेवफाई ने मोहन को देवदास बना ही डाला। हेलो राधा। मम्मी जी। प्रणाम बेटी। तू फौरन चली आ अपने घर, मैं तेरी गुनाहगार हूं बेटा, आज दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगती हूं तुझसे। आजा, अगर तू नहीं आ सकती तो मैं वहां आ जाती हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? देर से ही सही, सच मेरे सामने आ गया है। तुझे पता है मोहन को घर आए 1 महीना हो गया है, तुम एक साजिश का शिकार बनी, तुझसे ये घर छुड़वाया गया। लेकिन मोहन जिस साजिश का शिकार हो रहा है उससे तो वो दुनिया ही छोड़ देगा। नहीं मम्मी जी, इसीलिए तो कह रही हूँ, तू जल्दी आ जा, तू आ जा। जी जी। हाँ। जी जी। मोहन को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। क्या? बेटी ये समय जीत करने का नहीं है, उठ और जल्दी से जल्दी जवाई साह के पास पहुंच। राधा बेटा, बेटा हम सब तेरे साथ चलेंगे, चल मेरी अच्छी बच्ची जल्दी से उठ। क्या जिद लेकर बैठ गई है तू, सोचने विचारने का समय नहीं है हमारे पास, चल उठ बेटा जा। हाँ। जल्दी कर। मैं वहां जाकर क्या करूंगी, अब तो जो करना है मेरे श्याम प्रभु को ही करना है। मैं अपनी अरदास लेकर उन्हीं के पास जा रही हूँ।
फिर वो जाने और उनका काम जाने। राधा, राधा, राधा बेटी, राधा। सुनिए जी, आप इसके साथ जाइए, ये लड़की अपने होश में नहीं है। जा बेटा जा। चल सहारा दे के तू ही मुझे सावरे।
की बढ़ाई है, सबकी बढ़ाई है, सबकी बढ़ाई शक्ति सबकी बढ़ाई है, सबकी बढ़ाई बिगड़ी सबकी बढ़ाई है। शाम जय श्री शाम, जय श्री शाम, जय श्री शाम, लेते लेते शाम का नाम पहुंच गए हम आठों धाम। हे संकट मोचन संकट से त्राण दे, सबको जिताई बाजी सबको जिताई है, सबको जिताई बाजी सबको जिताई है। सुनिए जी, धीरज रखिए। चनक, तेरी वजह से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई। सुनिए तो। क्या सुनूं? अगर तूने अपनी भतीजी को इस घर में ना घुसेड़ा होता ना, तो यह नौबत ना आती। मेरी जीजी का स्वर्ग जैसा घर नक में बदल दिया हमने। नरक में बदल दिया हमने। क्या बात है साले साहब? जीजा जी, जान ले लीजिए, मेरी जान ले लीजिए। अब ये पाम की गठरी और नहीं धोई जाती मुझसे। अरे ये सब क्या हो रहा है कौशल? जरा पूछो इससे। एक तो हम लोग वैसे ही परेशान, ऊपर से ये रोना धोना, बंद करो ये सब। अपशगुन होता है अपशगुन। जी जी माफ कर दीजिए। तुम्हारे इन झूठे आंसुओं से क्या मेरी गृहस्थी का वो सुख लौट आएगा जो मुझसे रूठ गए? चले जाओ तुम दोनों यहाँ से, चले जाओ। कौशल्या, कहानी बहुत लंबी है, लेकिन थोड़े में इतना जान लीजिए कि आपके प्राण लेने की कोशिश में और राधा के घर छोड़ने में, हमारे बच्चों के मन में जहर घोलने में और मेरे मोहन की ऐसी हालत करने में इन्हीं दोनों का और अनीता का हाथ है। हाँ जीजा जी, जी जी ठीक कह रही। लखपति और करोड़पति बनने के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गया था कि पैसों का ये खेल एक दिन मौत का खेल बन सकता है।
अपने ही हाथ अपने ही बच्चों के खून से रंग सकते हैं। मैं गुनहगार हूँ चीचा जी। जी जी मुझे सजा दो ना। इसे कहिए यहाँ से चला जाए। कौशल्या, इनके आंसुओं को इनका प्रायश्चित समझो और क्षमा कर दो इन्हें। और वैसे भी यह समय इन बातों का नहीं है, बस हमारा पीठा ठीक हो जाए। ठीक है, मैंने इन्हें माफ किया। बाकी क्षमा करने वाले तो भगवान है। बाबूजी, बाबूजी, चमत्कार हो गया, चमत्कार। क्या हुआ? मोहन बेटे को होश आ गया। डॉक्टर सब भी हैरान हैं कि ये सब कैसे हो गया। मोहन, मेरे बच्चे। मोहन, राधा को फोन कर दीजिए। हाँ, 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 हेलो जी, जी ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है जी। मैं अभी राधा से बात कराता हूँ आपकी। हाँ, एक मिनट होल्ड कीजिए। जय श्री श्याम। राधा बेटी, तुम्हारा फोन है, लो बात करो। जय श्री श्याम जी। प्रणाम। बस सब श्याम बाबा की कृपा है। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं। ठीक है पापा जी, ठीक है। बाबू जी खुश रहो बेटी, खुश रहो। जय श्री श्याम। तो वो तुम थे श्याम प्रभु, तुम आए मेरे लिए, तुम स्वयं आए। मैं जानती थी तुम अपने भक्तों का विश्वास कभी नहीं तोड़ोगे, उनकी पीर हरते हो। तुम सिर्फ मूरत ही नहीं, जीवित हो, जागृत हो, जीवन दाता हो। तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम श्याम प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ तो ब्रदर, एवरीथिंग इज क्लियर? यस। आपका 30% आपको मिल चुका है। ओके। मेरा 30% मैंने ले लिया है। और मामा जी के हिस्से का 40% अनीता जी आपने ग्रहण कर लिया है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब जाके मिस्टर मोहन बांसल की पावर ऑफ अटर्नी का सही इस्तेमाल हुआ है। उसके अकाउंट में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। देखो देखो, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। क्या 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 ठीक नहीं हो रहा? मोहन की जान संकट में। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सारे पैसे जो है अपने ऊपर खर्च करना चाहता हूँ? मुझे तुम्हारे और स्नेहा के भविष्य के बारे में कोई फिक्र नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है? यार समझा अपनी भाभी को। ये एक इमोशनल किस्म की औरत है, एक नंबर की। इमोशन में आकर अगर इसने सब कुछ बक दिया ना, तो हम सब सब के सब अंदर बंद हो जाएंगे। समझा इसे। देखो भाभी, भैया जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाभी, भैया ठीक कह रहे हैं, आप इस बात को समझिए। देखा नहीं पापा जी ने किस कदर सारे पैसे मोहन को दे दिए? पापा जी किस कदर मोहन का फेवर करते हैं। अगर इस चीज के खिलाफ ये लोग आवाज उठा रहे हैं तो इसमें हर्जी क्या है? माधुली, मगर मोहन की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। छोटा भाई जैसा है मेरा, पता नहीं क्या होगा। उफ भाभी, उसे कुछ नहीं होगा। बेचारा, वो अपनी पत्नी के साथ श्याम प्रभु की शरण में चला जाएगा। बहुत दुख सहा है बेचारे ने, अब मुक्ति में ही सबकी भलाई है, उसकी भी और हमारी भी। सो लेट्स सेलिब्रेट। वाह, हमारे यहाँ परंपरा तो यह है कि बड़े छोटों के सिर पर हाथ रखकर उन्हें लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। बड़ा भाई पिता समान होता है और भाभी मां की जगह होती है, अतिथि देवता होता है, उसे पूजा जाता है, उसे खुश रखा जाता है और बदले में
वो मेजबान परिवार की सुख और समृद्धि की कामना करता है। मुझे भ्रम था कि हमारे लालन पालन में बढ़ा ये परिवार एक ऐसा ही आदर्श परिवार है। कितने गलत थे हम कौशल्या, जिन्हें हम अपनी औलाद समझते थे, जिन्हें आपस में भाई भाई समझते थे, उनके बीच में तो कोई रिश्ता ही नहीं। अगर रिश्ता है तो सिर्फ धन का, स्वार्थ का, पैसे का। पैसों के लिए कोई भी किसी की जान भी ले सकता है। फिर वो महेंद्र बंसल हो या मोहन बंसल, किसी भी परिवार की धुरी औरत होती है, क्योंकि वो एक मां होती है, एक नए जीवन को जन्म देती है। लेकिन अगर जन्म देने वाली मां ही किसी की मृत्यु की कामना करने लगे तो वहां आदर्श और परंपराएं फल फूल नहीं सकते, सुख और समृद्धि दो पल भी नहीं रुक सकते। सोने की लंका का अंत क्या हुआ था ये तुम जानते हो ना कौशल्या? देखो अपने परिवार, अरे तुम भले ही कौशल्या हो लेकिन इनमें से एक भी राम नहीं है, सब रावण है, रावण। और रावण का अंत क्या हुआ था जानती हो ना तुम? मुझे पुलिस को फोन करना पड़ा। रुकिए पापा। घर की बात घर के अंदर रहे वो ज्यादा अच्छा है। पैसे चाहिए थे ना आप लोगों को? पैसे? अरे भैया एक बार कह के देखा होता, ये बोला होता कि मोहन इस पे साइन कर दे, कर देता भैया। वैसे भी भैया थोड़े ही दिनों में तो मैं बाहर जा रहा था, फिर ये सब कुछ आप ही का तो था। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि जिन हाथों ने मोहन को मोहन बंसल बनाया, आज उन्हीं हाथों ने मोहन की जान लेने की कोशिश की। पापा, भाइयों पे अटूट विश्वास करने वाला ये मोहन आज टूट चुका है बेटा, श्याम प्रभु की कृपा से और राधा के तप से अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। कृपा करके मेरे इन भाइयों को माफ कर दीजिए। राधा, राधा, तुम्हारी सारी दुख तकलीफों का कारण मैं हूं राधा। मैंने तुम्हारे हंसते खेलते घर में जहर मिला दिया। मैं लालच और जेलसी में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं हत्यारण तक बन गई। मेरे इस अपराध की सजा तो सिर्फ पुलिस ही मुझे दे सकती है, लेकिन मेरे पापों का प्रायश्चित तब होगा जब तुम मुझे माफ करोगी। अनीता, तुम्हारे पाप का प्रायश्चित तो उसी वक्त हो गया जब तुमने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, और रही माफी की बात तो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, कभी नहीं। अगर माफी चाहिए तो तुम्हें एक ही जगह गिड़गिड़ाना होगा, उन्हीं से माफी मांगनी होगी, मेरे श्याम प्रभु की शरण में माथा टेकना होगा। जैसे उन्होंने मेरी विनती सुनी, माधुरी भाभी की कोक और मेरे सुहाग की रक्षा की, तुम्हारी भी सुनेंगे। जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है उसे उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। राधा, बस बेटा, बस। देवी काका ने मुझे सब बता दिया है। तेरे पिताजी हमारे घर श्याम प्रभु के कीर्तन का निमंत्रण देने आए थे। मेरे परिवार वालों ने उनका अनादर किया, पर अनादर तुम्हारे पिता का नहीं बेटा, इन्होंने श्याम प्रभु का अनादर किया। तुम्हारे हाथों दिए गए प्रसाद को विष बताकर
इन्होंने तुम जैसे श्याम प्रभु के भक्त को शंका के कटघरे में खड़ा कर दिया। इससे श्याम प्रभु को ही चोट पहुंची और धन के लोभ में इन्होंने तुम्हारे सुहाग को भी दांव पर लगा दिया। इस बार तो इन सब ने बगावत ही कर दी। बेटी, मेरा ये परिवार पाप के कीचड़ में सर से पांव तक डूबा है। इन सब को तू ही बचा सकती है। जी, आप ये क्या कह रही हैं? नहीं बेटा, हम पापियों को खाटू श्याम ले जाके हमारा उद्धार तू ही करा सकती है। नहीं तो तेरे श्याम प्रभु हमारी ओर देखेंगे भी नहीं। चलिए, मेरे श्याम प्रभु के पास प्रेम और क्षमा का भंडार है। मन से मांगने वाले को वो सब कुछ दे देते हैं। शादी के फौरन बाद ही अगर हम दर्शन कराते तो शायद ये सब नहीं होता। श्रद्धा में और भक्ति में बहुत शक्ति होती है। बेटी, वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। चलो, और देर मत करो, चलते हैं। अद्भुत है ये देवता, परब्रह्म ज्ञानी है। वेद पुराणों ने महिमा श्याम की बखानी है। कृष्ण ने परम वीर की शक्ति पहचानी है। कृष्ण को भी दान दे गया ऐसा महादानी है। महाभारत का निर्णय किया, महाभारत का निर्णय किया। बोला कृष्ण का था खेल सारा, श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा। त्रेता में राम हुए द्वापर में श्याम, कलयुग में आए जो भक्तों के काम। वो है खाटू नरेश मारा, वो है खाटू नरेश मारा। श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा। उनके नेत्र दीप जल उठे, दीप जो यहाँ जला गए। पंगुए पहाड़ चढ़ गए, इत्र जो यहाँ चढ़ा गए। उनकी वंश बेल बढ़ गई, अर्ज जो यहाँ सुना गए। द्वार द्वार फिर न वो फिरे, श्याम द्वार पर जो आ गए। श्याम द्वार पर जो आ गए, द्वार पर जो आ गए। धामों में धाम यारा ये खाटू धाम, खाटू में बैठा हुआ श्याम आठो याम। भरे भक्तों का भंडारा, श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा श्याम प्यारा।